छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ब्लास्टिंग से गांव में दहशत का माहौल है। सुहागपुर गांव में पत्थर ब्लास्टिंग से ग्रामीण काफी डरे सहमे हुए हैं। उनके जहन में हमेशा जानमाल की क्षति का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि ब्लास्टिंग की वजह से कई घरों में दरार पड़ गई है। इससे होने वाले विस्फोट से पूरा गाँव थर्रा जाता है। ब्लास्टिंग करी खनधान ला गहिला होगी घर फाटे है, बोर नहीं चलाते, पानी कम देते, बस उसकी समस्या है। खनधान का करे मुरली पूरा नाम नहीं जाना था चंद्रा रमेश निजी। हाँ, और आगे हमारे चैनल के माध्यम से आप मन का चाहते बता दो। हाँ हो, ब्लास्टिंग मत हो, बंद हो, बस सबके चाहत हम। कहाँ के रहने वाले हो? सरईपाली। सरईपाली। हाँ, समस्या है जो यहाँ खदान के ब्लास्टिंग होना, उस वजह से हमारे मकान भी पूरा क्रैक हो गया है और पानी का भी समस्या है यहाँ पे। पानी का भी खदान किसका है? खदान है मुरली का। मुरली? हाँ, मुरली चंद्र का। कहाँ से वो? सरईपाली से। कितना मात्रा में ब्लास्टिंग करते हैं जिसकी वजह से घर में क्रैक आ गया? मात्रा में ज्यादा क्या हो गया तभी तो घर में क्रैक हो गया है, उतना तो पता नहीं हम लोग कितना मात्रा में डाले थे उसको। 611 पर मात्रा में जब ज्यादा डाले है कि ब्लास्टिंग तभी तो क्रैक हुआ है घर में। पानी भी की समस्या इधर, पानी भी बंद हो गया है। पानी का लेवल पूरा बंद हो गया, स्रोत बंद हो गया है, पूरा स्रोत बंद हो गया। हाँ, अभी घर को आप रिपेयरिंग करवाए हैं? घर को रिपेयरिंग करवाए थे। तो आप इस संबंध में, आपका घर जब क्षतिग्रस्त हुआ तो उसके संबंध में आप क्या खदान के मालिक को आपने बोला था? खदान का मालिक को कौन बोलेगा, इधर गांव में ही कोई बोलने वाला ही नहीं है उसको तो। और क्या क्या परेशानी होता है? बस पानी की ही परेशानी है और मकान में जो क्रैक हुआ है वही परेशानी। ब्लास्टिंग के वक्त ग्रामीण घर से बाहर निकल जाते हैं, इसकी वजह से कई घर क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी वजह से उनका जीना दुश्वार है। फाट गया कदवा खनहान के पाए है चलित ता ए घर गत साख ल पे खपरात कहा गिर गई अंत के खपरा लान के करे है। हां, का हो रही है ओइसने ला तो नहीं जा। हां, मतलब पानी के बहुत समस्या है, बोरिंग में पानी नहीं आए दिन के। का के वजह से नहीं आ पानी? बाय चली से खनहान बारूद के वजह से पूरा घर झुनझुना आग रही से। ब्लास्टिंग होत रही से? हां, ते जो लकीरें आए थे वही खदान को जैसे। हाँ, मतलब है हुई से तो फटे फटे मकान करे। और पानी के तो बहुत तंगी, पानी नहीं निकले होकर घर मांग के पिए हैं। ग्रामीणों की माने तो सारे नियम कानून को ताक पर रखकर हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। अवैध तरीके से पत्थर का खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विस्फोट इतना भयंकर होता है कि घर से बाहर निकलना पड़ता है। परसालो बम ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें सब घर जो है ना बारूद वही खनन के लिए। हाँ, खनन के लिए तो सब घर वो दरार आ गए। आपका घर दरार आ गया है? हाँ। कितना ब्लास्टिंग करते थे? शायद तक वही बहुत सारा करते थे। बहुत सारा कौन? हाँ, करते हैं ब्लास्टिंग यहाँ वो कलेसर वाले। कलेसर वाले किनका? हाँ, खदान है जहाँ ब्लास्टिंग होता है वो मुरली का। कितना साल से चल रहे हैं ये? तो बहुत दिन हो गया, 5-6 साल से ऊपर से चल रहा है। तो आपका घर जब दरार हुआ तो आपने खदान मालिक को नहीं बोला कि ऐसा ऐसा देखिए हमारा घर आपके ब्लास्टिंग की वजह से आया है? तो वहाँ पर रोक रहे थे, वहाँ नहीं गए? नहीं गए। नहीं? अच्छा। अकेला जाने से वो लोग फिर कुछ कर देते, इसलिए नहीं गए थे। गाँव वाले गए थे, गए थे। अब आपका क्या, आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहता हूँ, सब ज्यादा ना हो ऐसे चाहता हूँ। अच्छा, वो बम ब्लास्टिंग ना हो, ऐसे ही गांव वाले निकाल कर थोड़ा से करते हैं, कमाते रहे। इतना ही नहीं बल्कि ब्लास्टिंग की वजह से पानी का लेवल भी काफी नीचे पहुंच गया है, जिससे पानी की काफी किल्लत हो रही है। ग्रामीणों को हमेशा अनहोनी का डर सताता रहता है कि कहीं उनका मकान न ढह जाए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से पंजाब केसरी टीवी के लिए मुकेश जालेही की रिपोर्ट। children ke liye hamare YouTube channel ko subscribe kar le।